a cantar esta canción con mucho cariño de mí. मैं बहुत सारा म्यूजिक एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं बहुत सारी एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं बहुत सारा स्पाइस एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं बहुत सारी खुशियाँ एक्सपेक्ट कर रही हूँ और बस और कुछ नहीं। जमाल मसीह तो बहुत होने वाली है, हर साल होती है और इस साल भी बहुत बड़े पैमाने पे होगी। और एक अभी तो आपका वो लव चैनल शुरू हुआ है, जिसके लिए शुभकामनाएं। इट्स फैंटास्टिक एंड मला खरंच खूब आशा है त्या अवॉर्ड्स पासून, आणि या अवॉर्ड्सनी बऱ्याच संगीतकारांना, बऱ्याच गायकांना, बऱ्याच कलावंतांना खूप 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 प्रोत्साहन मिळालेलं आहे। तेव्हा आय एम रिअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इयर ॲज 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 ऑलवेज, आणि व्हेरी हॅपी टू बी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिंदी में बात नहीं करूँगी, मैं इंग्लिश में बात नहीं करूँगी, बिकॉज मी फर्स्ट टाइम मिर्ची, मी फर्स्ट टाइम रेडियो मिर्ची मराठी म्यूजिक अवॉर्ड्स मिला लिया नहीं। Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón। दरअसल बात यह है, सैराट का म्यूज़िक खाली महाराष्ट्र ने नहीं, पूरे देश ने सराहा है और हम लोग बहुत खुश हैं कि वो ही म्यूज़िक के क्या उसी म्यूज़िक के लिए अलग अलग कैटेगरी में 24 टोटल नॉमिनेशन है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, हम लोग एक तो भारत की जनता ने उसको सराहा है और अभी आज इतनी बड़ी तादाद में उसको नॉमिनेशन है, तो इससे बड़ी खुशी की बात मुझे तो नहीं लगता कि अवार्ड मिले या नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट है, बहुत से लोग भी दूसरे हैं, तो अवार्ड मिले या नहीं मिले, लेकिन ये 24 नॉमिनेशन वाली बात ये बहुत ही अंदर से बहुत सुकून देती है। जी, मिर्ची म्यूज़िक के बारे में ये कहना चाहूँगा, बेसिकली यहाँ पे जूरी जो है, जजेस जो है, वो सारे म्यूज़िकल लोग हैं, और उससे और एक उनकी कैटेगरी जो होती है वो जो पब्लिक चॉइस होती है, विच इज़ रियली अमेजिंग, बिकॉज जो पब्लिक को अच्छा लगता है वो, और जो जूरी को अच्छा लगता है वो, और जूरी भी सारी म्यूज़िकली सब गुणी लोग हैं, तज्ञ लोग हैं। सो खुशी होती है अगर वो लोग जब ये नॉमिनेशन भी चुनते हैं तो भी बहुत बड़ी खुशी होती है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग म्यूजिकल के कोई म्यूजिकली आपको देख रहा है और जज कर रहा है, एंड इवन महाराष्ट्र की ऑडियंस जिन्होंने इसके लिए वोट किया, सो सबके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। म्युझिकसाठी अवॉर्ड्स आहेत ही खूप मोठी गोष्ट आहे, आपल्या लाईफ आपल्या आयुष्याचा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे म्युझिक, आणि त्यासाठी अवॉर्ड्स आहेत, म्हणजे हे आय थिंक पहिलं वर्ष नाही आहे, यापूर्वीही म्युझिक मिर्ची म्युझिक अवॉर्ड झाले, पण यावेळेस खूप एक्साइटेड आहे कारण का माझ्या खूप फेवरेट फिल्म्सचे खूप नॉमिनेशन्स आहे त्याच्यात, ऑफकोर्स सैराट ह्या फिल्मचं नॉमिनेशन आहे आणि माय फेवरेट अजय अतुल यांची सर्व गाणी आहेत त्याच्यात, इनफॅक्ट वैभवचं पण फेवरेट आहे सैराटमधलं गाणं, भूषणचंही फेवरेट आहे, सो आम्ही त्याच्यासाठी थांबलो आहे आता। अरे अच्छा लगता है क्योंकि मराठी फिल्मों को प्रमोशन की जो ज़रूरत है उसमें उसमें रेडियो एक ऐसा माध्यम है, और मिर्ची तो हर वक्त मराठी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, मराठी गाने बजते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं, तो उसके अवार्ड भी है तो और अच्छी बात है, और मराठी का म्यूज़िक बहुत बढ़ चुका है, अलग 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 कैटेगरीज के गाने बनते हैं, अप्रिशिएट किए जाते हैं, और मिर्ची उसको लोगों तक पहुँचाता है, तो इसका एक अलग अवार्ड हो रहा है, इसकी खुशी है, एज अ एक्टर मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और एंजॉय करने के लिए आया हूँ। आहा।